2023 गया, 2024 आया, जून भी गई, जुलाई भी गई, अगस्त सितंबर भी चले गए और अब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर भी चले जाएंगे। लेकिन सस्पेंस वही, सवाल भी वही, आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1980 में पार्टी के गठन के बाद पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने और अब तक 11 दिग्गजों ने 14 बार पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन जितना सस्पेंस अभी नजर आ रहा है उतना शायद ही कभी भी रहा होगा। हालांकि मोदी शाह के दौर में फैसले वक्त से पहले पता चल जाएं ऐसा कभी हुआ नहीं, पर सच ये है कि फैसले लेने में इतनी देर हो जाए ये भी अभी तक संभव नहीं था, ऐसा भी अब तक हुआ नहीं था। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या है बीजेपी के अगले अध्यक्ष के चुनाव का पेच। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बने। करीब एक साल तक उन्होंने अमित शाह के साथ अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी साझा की और फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए। पार्टी इस बार भी कुछ ऐसा ही करना चाहती थी। जब अगस्त में पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, जब हमने कई दिग्गज नेताओं से पूछा कि कब ये तय होने वाला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या कार्यकारी अध्यक्ष पद पे कौन आएगा, तब हमें ये कहा गया था पार्लियामेंट सेशन के दौरान, जो 9 अगस्त को शायद पूरा हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि 15 अगस्त तक सब कुछ तय कर दिया जाएगा। यानी जो अभी चुनाव हैं हरियाणा के या जम्मू कश्मीर के, वो नए कार्यकारी अध्यक्ष के रहते हुए होने थे। रणनीति ये थी कि पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने और फिर उसे जेपी नड्डा की गाइडेंस में संगठन चलाने का अनुभव मिले, जिसे हैंडओवर कहा जाता है, ट्रांजिशन पीरियड, और फिर वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाए। और ये जो चुनाव, चाहे फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, ये तमाम चुनाव कार्यकारी अध्यक्ष के अध्यक्षता में होते और फिर जनवरी में वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाते। लेकिन अध्यक्ष पद की गुत्थी सुलझ नहीं रही, तो जेपी नड्डा को फिलहाल एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल चुका है और संभावना कमी है कि झारखंड चुनाव से पहले किसी के नाम पर सहमति बने। वजह, क्योंकि संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी सदस्यता अभियान जब खत्म होगा उसके बाद जो जमीन से लेकर रूट से लेकर ऊपर तक चुनाव होंगे और फिर जनवरी में जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूर्ण होगा। यानी कि अब इस संगठन के चुनाव की प्रक्रिया के बीच में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएंगे। अब आप भी शायद यही समझना चाह रहे होंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब कार्यकारी अध्यक्ष को बनाना ही था, समय रहते बनाना था, तो फिर जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है और क्यों इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही? क्योंकि सवाल यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं कोई सहमति का बड़ा पेच है। कहने को तो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही जगह अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के संविधान के मुताबिक ही होता है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने, नॉन गांधी, और ये बहुत चर्चित था। मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा पार्टी ने तय किया और साथ में शशि थरूर ने स्वयं इच्छा जताई कि वो भी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आशीर्वाद मल्लिकार्जुन खड़गे को आलाकमान का था, इसीलिए पूरी पार्टी ने जब वोट किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे को किया। अब देखिए, पार्टी के संविधान के तहत बाकायदा वो चुनाव जीतकर अध्यक्ष भी बने, लेकिन इसका सच पूरा देश जानता है कि गांधी परिवार समर्थित खड़गे के सामने शशि थरूर की चुनौती थी और बस दिखावे भर थी और नामांकन भरने के साथ ही खड़गे का अध्यक्ष बनना तय था। ठीक उसी तरह ये उदाहरण देना जरूरी था आपको ये बताने के लिए कि पार्टी में भले ही संविधान के तहत चीज़ें होती हैं सारी प्रक्रिया, लेकिन आलाकमान की मंजूरी या सहमति जिसका हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह बीजेपी में भी पार्टी के संविधान की धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की गई है। धारा 19 के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। इसमें राष्ट्र परिषद और प्रदेश परिषदों के वर्णित सदस्य होंगे। पार्टी के संविधान में कहा गया है कि यह चुनाव राष्ट्र कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक किया जाएगा।
लेकिन बीजेपी के संविधान से इतर जो सबसे बड़ा सच है वो है अध्यक्ष वही बनेगा जिस पर बीजेपी को भी एतराज ना हो और आरएसएस संघ की भी सहमति हो, यही सारा पेच है। तो इस लिहाजा मौजूदा समय में मेरे हिसाब से बीजेपी का अध्यक्ष जो भी बनेगा उसके लिए चार योग्यताएं बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले उसे लेकर बीजेपी संघ दोनों का सहमत होना जरूरी है। दूसरा ये कि वो संघ के सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बातों को संघ तक पहुंचा सके और संघ और बीजेपी का कार्यशैली और संस्कृति को बखूबी जानता हो और बरकरार रख सके। कहीं ना कहीं संघ को ये लगता है कि संगठन में बहुत सारे बदलाव हुए और अब जो नया संगठन है वो कहीं ना कहीं संघ की अनदेखी करता है या संघ को उस तरीके से नहीं समझ पाता संघ की भावना जो शायद पहले के अध्यक्ष समझा करते थे। ये तमाम वो बातें हैं जिस पर सहमति होना जरूरी है, तब जाके किसी एक नेता पर, व्यक्ति पर संगठन के मोहर लगेगी। अब देखने समझने में ये योग्यताएं मामूली लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि योग्यताओं के इसी चक्रव्यूह में बीजेपी के अगले अध्यक्ष का चेहरा भी छिपा हुआ है और देरी भी हो रही है। मेरे जानकार सूत्रों के मुताबिक कई नामों को लेकर चर्चा हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि अगस्त में एक माहौल ऐसा बन गया था कि लगभग नाम तय होने वाला है कार्यकारी अध्यक्ष का, लेकिन नहीं हो पाया। वजह यही तमाम मसले कि संघ के तरफ से इस बार कुछ बातें रखी गई हैं और वो चाहते हैं कि इस बार का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी और संघ के बीच में एक सहमति, पार्टी और संघ के बीच में तालमेल और इस बदलते हुए राजनीति में संगठन को अपने पुराने रूट से जोड़कर रख सके, ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा अध्यक्ष जो सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सके। अब देखिए, सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, ये तो जाहिर तौर पे है क्योंकि देरी हो रही है या अब चुनाव आ चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर हुई मीटिंग में संघ की ओर से महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार की मौजूदगी में साफ इशारा कर रही है कि संघ की सहमति होगी तभी अध्यक्ष पद पर बात बनेगी। हालांकि संघ और बीजेपी की कार्यप्रणाली को समझने वाले ये बखूबी जानते हैं कि संघ अपनी ओर से कोई नाम आमतौर पर आगे नहीं करता, लेकिन जिन नामों को लेकर बीजेपी चर्चा करती है उस पर संघ अपनी राय जरूर देता है। और ये सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं है, जब भी किसी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होता है तो कुछ चार नाम जाते हैं संघ की सहमति के लिए या संघ एक इशारा करता है जिसे सहमति ही कहा जाता है। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी है और प्रदेशों में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष चयन किए जाते हैं उसमें भी है, और संघ की राय ही उसकी सहमति और असहमति का पैमाना बन जाती है। तो अब मैं यहां आपको वो नाम बताऊंगी जिनको लेकर संघ और बीजेपी मंथन कर चुके हैं और कई पर मंथन चल रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आखिर क्यों उन नामों की चर्चा हुई और क्या उस पर सहमति की संभावनाएं हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सोच समझ के कदम आगे बढ़ा रही है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यप्रणाली है उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सीक्रेसी और सरप्राइज। इसीलिए 2014 से लेकर अब तक इन दोनों की जोड़ी में सीक्रेसी, चाहे संगठन हो, चाहे सत्ता के कोई बड़े फैसले हों या आगामी कोई बड़ी घोषणाएं हों, सीक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण है और वहीं सरप्राइज एलिमेंट भी। इसीलिए इस बार भी ये माना गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम आएगा वो सरप्राइज देगा, चौंका देगा। लेकिन अब बात सहमति की है जिस पे कई नामों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक संघ की ये इच्छा थी कि संजय जोशी और राम माधव को बीजेपी संगठन में जिम्मेदारी दे, बीजेपी संगठन में जिम्मेदारी दे, जिसके बाद राम माधव की जम्मू कश्मीर के प्रभारी के तौर पर वापसी हुई। लेकिन संजय जोशी को अभी संघ की संगठनात्मक जिम्मेदारी देने की बात कहकर ये चर्चा खत्म हो गई। अब इससे पीछे जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। ये माना जा रहा है और आरएसएस से जुड़े सूत्र जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ समय पहले, साल भर पहले की बात आप समझ लीजिए, और ऐसा नहीं है 2014 में भी जब कभी संघ और बीजेपी के बीच में चर्चाएँ हुई दो बड़े नेताओं के बीच, तब ये कहा गया, जैसे राम माधव के लिए बात कही गई कि वो अपनी सेवाएं पार्टी को देना चाहते हैं,
और मुझे संघ की तरफ से मानना था कि हमें लगता है कि उनकी सेवाओं का सही जगह उपयोग होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। जम्मू कश्मीर के चुनाव में राम माधव की वापसी हुई पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, और उनके सेवाओं का इस्तेमाल, उनको उपयोग किया गया। अब बात है संजय जोशी, जिनका जिक्र बार बार चल रहा है, तो सवाल है कि संघ की तरफ से सुझाव था 2014 में भी कि बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, उनका किसी न किसी जगह पार्टी इस्तेमाल कर सकती है जहां पर ज़रूरत हो। हालांकि उसके बाद वो आगे बात नहीं बढ़ी, नतीजा आपके सामने। अब देखिए, मीडिया के अंदर गलियारों में संजय जोशी को बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अटकलें का बाजार जो है वो काफ़ी गर्म है, और संजय जोशी को लेकर चर्चाएं ज़बरदस्त हैं। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि संजय जोशी को लेकर केवल संगठन में किसी काम, एक पद की बात हुई है, ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कोई चर्चा की गई। अब सवाल है कि क्या संजय जोशी हो भी सकते हैं चर्चाओं के मुताबिक बीजेपी के अगले अध्यक्ष? अब मेरे सूत्र यही बताते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेशक संजय जोशी को लेकर संघ की सहमति आप मान लीजिए 40-50% हो भी जाए, लेकिन बीजेपी संगठन में इस वक्त उनके लिए समर्थन की भारी कमी है। और इतना ही नहीं, पिछले एक दशक से ना तो उनके नाम पर पार्टी या संघ से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि है, और ना ही वो सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले में, यानी कि आज की आधुनिक राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग बेहद महत्वपूर्ण है और उसमें वो फिट नहीं बैठते। इसीलिए संजय जोशी के नाम पर सहमति बने इसकी उम्मीद बेहद कम है। और जैसा मैं आपको बोल चुकी हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात नहीं है, चर्चाओं में भले ही उनका नाम जबरदस्त चल रहा हो। दूसरा नाम है शिवराज सिंह चौहान। आज से नहीं, मध्य प्रदेश के चुनाव से उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में आगे दौड़ रहा था। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने तब भी इस बात का जिक्र बार बार हुआ कि अब तो शिवराज सिंह चौहान पार्टी की कमान दिल्ली जाकर संभालेंगे। फिर सबसे बड़ी बात हुई कि उनको मंत्रिमंडल में ले लिया गया, तब सब चौंक गए कि इसका मतलब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। देखिए, ओबीसी का बड़ा चेहरा है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एमपी में इस बार के विधानसभा चुनाव की जीत के बड़े सूत्रधार भी माने जाते हैं, और शिवराज सिंह चौहान वैसे तो हर लिहाज से फिट नजर आते हैं, और संघ के करीबियों में भी उनकी गिनती होती है। लेकिन इस बार उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, जैसा मैंने आपको कहा, उसके बाद अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन आला कमान ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। तो अब सांसद बने और फिलहाल उन्हें मध्य प्रदेश से निकलकर केंद्र की राजनीति में जगह दी गई है, और अब वो अपने मंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन शांत स्वभाव और मधुभाषी, मीठा बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत किसान जो वोट बैंक है या किसानों का मसला, शिवराज सिंह चौहान अपने स्टाइल से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए अध्यक्ष पद पर संघ चाहे उन्हें समर्थन दे भी दे, लेकिन पार्टी शायद अभी उन्हें सरकार से निकाल कर संगठन में लाने की जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती, और वजह हमने आपको बताई, क्योंकि अभी वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बड़ा दायित्व संभाल रहे हैं जहां पर उनकी ज़रूरत है। अब इसी रेस में जिस तीसरे नाम का मैं जिक्र करने वाली हूँ वो है वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे का नाम राजस्थान में तो बड़ी तेजी से चल रहा है, दिल्ली के गलियारों में भी वसुंधरा राजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बातें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी चल रही हैं। वसुंधरा राजे महिला हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, और मायका राजपूत घराने से है तो शादी जाट घराने में हुई है, यानी सोशल इंजीनियरिंग में बहुत फिट बैठती हैं। बहु गुजर समाज से आती हैं उनकी, और इस लिहाज से वो खुद को सभी जातियों का प्रतिनिधित्व भी मानती हैं, प्रतिनिधि मानती हैं, और इन सब से बढ़कर संघ की करीबी भी वो हैं। और फिर अगर ये कहा जाए कि पार्टी से उनके जुड़ा, तो वो उनकी माता जी के बारे में अगर हम जिक्र करें तो जाहिर तौर पे वो वाली पार्टी, पुरानी वाली भारतीय जनता पार्टी की सूत्रधार भी विजय राजे माता सिंधिया जो हैं। इस लिहाज से वसुंधरा राजे का नाम भी अध्यक्ष पद के हिसाब से मुफीद लगता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सवाल अभी भी है, एक प्रश्न चिन्ह अभी भी है, और संघ भी शायद उन्हें 50% तक समर्थन दे दे, क्योंकि संघ से ही निकल कर उनका नाम आया है। और यही बात आई है कि संघ की तरफ से कुछ चुनिंदा नामों में
वसुंधरा राजे के नाम की गिनती हुई है, लेकिन बीजेपी में अभी इनकी स्वीकार्यता है या नहीं ये सवालों के घेरे में है। क्योंकि अगर पुराना थोड़ा सा जब वो मुख्यमंत्री थी और उनके कई ऐसे मसलों पर असहमति थी केंद्र के साथ, उसको देखकर यही नज़र आता है, और फिर उनको इस बार भाजपा की जब सरकार आई राजस्थान में और मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तब से कहीं ना कहीं ये बात समझ आती है कि वसुंधरा राजे और केंद्र सरकार के बीच या केंद्र के संगठन के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। वसुंधरा राजे बेशक पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्र पटल पर उनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी नजर नहीं आती है। साथ ही साथ आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर जिस तरह से बीजेपी विपक्ष के सवालों का सामना कर रही है, वैसे में उन्हें अध्यक्ष बनने भी एक जोखिम की तरह हो सकता है उनके लिए। और इन सबसे बढ़कर बीजेपी के मौजूद जो नेतृत्व है मौजूदा, उससे उनके मतभेद को लेकर भी गाहे बगाहे अटकलें लगती जा रही हैं। 2023 के सर्द दिसंबर को कौन भूल सकता है, जब अचानक जयपुर की गर्मियों वाली तपिश दिल्ली आ पहुंची थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जब सीएम बनाए गए और रसाकशी चल रही थी, इसी बीच वसुंधरा मीटिंग करने लगी और दिल्ली आने से पहले जयपुर में वसुंधरा ने 40 विधायकों की मीटिंग की, तो दिल्ली तक माहौल तैयार हो गया। आलाकमान ने फौरन फोन कर लिया तो वसुंधरा ने कह दिया कि पार्टी की लाइन और अनुशासन वो जानती हैं और उसका पालन भी कर रही हैं। खुद वसुंधरा राजे सीएम नहीं बनी और उन्हें ही भजन लाल के नाम का ऐलान करने को कहा गया, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव जाहिर तौर पे मंच पे सबने देखे थे। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पिछले लंबे समय से आलाकमान के साथ खटपट सबके सामने उनकी नजर आई है। ऐसे में वसुंधरा संघ के साथ मोदी शाह की भी पसंद होंगी ये कहना मुश्किल है। अब इसके अलावा जिन नामों को लेकर चर्चा सुनाई पड़ती है उसमें नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े हैं। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी की पसंद, संगठन के जो बड़े नेता हैं उनकी पसंद माने जाते हैं, लेकिन संघ की पसंद के लिए अभी कहना मुश्किल है। वहीं देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी ऐसे नाम हैं जो संघ के करीबी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी अच्छी, जिसे बोलते हैं, मिलनसार बनाए रखा है। अब तीनों महाराष्ट्र से आते हैं, संघ के साथ अच्छे रिश्ते भी हैं और कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं, इसीलिए ये चर्चा तेज थी कि क्या कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसमें इन तीनों का नाम जबरदस्त तेजी से चला था। लेकिन जानकार सूत्रों के मुताबिक गडकरी फिलहाल अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में मराठा समुदाय से आने वाले विनोद तावड़े को लेकर बीजेपी और संघ दोनों शायद सोच सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि संघ की सहमति कम लेकिन भाजपा की सहमति ज्यादा होगी, क्योंकि विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी भी हैं और हाल में दोनों में उन्होंने बीजेपी हाईकमान का भरोसा भी जीता है और करीबी हैं, खासतौर पर पिछली कुछ राजनीति अगर देखी जाए पिछले कुछ। और इतना ही नहीं, वो बीजेपी में संघ से ही आए थे और दोनों ही जगह पर उनके अहम पद भी उन्होंने संभाला था। पर मौजूदा समय में भी क्या वो संघ की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है और फिलहाल उनके नाम की चर्चा पर भी विराम लगता नजर आ रहा है। एक और नाम जिसको लेकर चर्चा बड़ी तेज है वो है धर्मेंद्र प्रधान, सबसे महत्वपूर्ण और डार्क हॉर्स भी। फिलहाल भले ही वो सरकार में हैं और वैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी आलाकमान के गुड बुक्स बेहद करीबी में। एक समय ऐसा था कि अमित शाह पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान से मिले बिना उनका दिन पूरा नहीं होता था। अब बात हम धर्मेंद्र प्रधान की कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि संघ के भी करीबी माने जाते हैं, संगठन की बेहद अच्छी पकड़ उनकी है, इसलिए भी वो गुड बुक्स में हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार में उनको एक बड़ा दायित्व दिया गया है, उस दायित्व को वो बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी जानकार सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस डार्क हॉर्स के तौर पर अभी भी धर्मेंद्र प्रधान को देखती है, क्योंकि वो मोदी अमित शाह के करीबी हैं, संगठन को समझते हैं और आरएसएस के भी चीज़ों को, संस्कारों को, तौर तरीके को बेहतर तरीके से समझते हैं। सवाल एक बार फिर है कि क्या इतने बड़े दायित्व से बाहर निकलकर वो संगठन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन इस पे फाइनल मोहर संघ और बीजेपी की सहमति के साथ ही बनाई जाएगी। मिला जुलाकर सारे मंथन के बाद अब ये कयास लग रहे हैं
कि पेच कहाँ फंसा है। वैसे तो ये किसी भी पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन पार्टी अक्सर इन पदों के तैनाती करके बड़ा संदेश देती है, चाहे फिर वो सोशल इंजीनियरिंग हो या कौन किसका करीबी हो, ये एक बड़ा संदेश होता है और काम काज करने का तरीका भी। जैसे कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर दलित समुदाय के लोगों को संदेश दिया, और साथ में वो सोनिया गांधी राहुल गांधी के राइट हैंड भी माने जाते हैं, ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी संदेश देना चाहती है पद पर किसी व्यक्ति को बिठाकर, चाहे फिर वो सोशल इंजीनियरिंग हो, चाहे ये कि वो आलाकमान के बेहद करीबी हैं और वो वैसा ही काम करेंगे जैसा सत्ता संगठन के लिए मुफीद होगा। अब माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ हमलावर है, वैसे में पार्टी का अगला अध्यक्ष ओबीसी या दलित समुदाय से ही होना चाहिए। लेकिन होगा कौन, ये सस्पेंस है, समीकरणों में उलझा हुआ है और सहमति में भी। और फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि अभी जेपी नड्डा की अगुवाई में ही मंडल जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश परिषद और केंद्र परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। इन चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी और तब जाकर अध्यक्ष का चुनाव होगा, और ये प्रक्रिया पूरी होते होते ये साल गुजर जाएगा, यानी तब तक इंतजार का इम्तिहान पार्टी भी दे रही है और हमें भी देना होगा। लेकिन इस पूरे डिस्कशन के बीच में एक शब्द है जिसे आप मत भूलिएगा, सहमति। बीजेपी और संघ की सहमति के बाद ही अब अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।